जी, मैं चाहता हूं कि अशोक सुंदरानी जी पढ़े, और अशोक सुंदरानी जी के लिए मैं कहता हूं, ये बनारस की धरती है और यही 80 घाट है जहां तुलसीदास रहा करते थे, और इसी 80 घाट पर पंडित चंद्रशेखर मिश्र भी रहा करते थे जिन्हें भोजपुरी का तुलसीदास की उपाधि दी गई थी। तो मैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी का एक छंद भैया की भूमिका के लिए पढ़ता हूँ। उन्होंने रचनाकारों के लिए, कलमकारों के लिए जो बात कही कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, मैं जानता हूँ अब कवि सम्मेलन समापन की ओर है। 3 रचनाकार जो देश के दिग्गज रचनाकार हैं, अभी आपको शंभू शिखर जी को सुनना है, विजय लक्ष्मी शुक्ला जी को सुनना है, पंडित सुदामा तिवारी साढ़ बनारसी जी को सुनना है, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि अशोक सुंदरानी जी भी आप तक पहुंचे, और पंडित शेखर मिश्र का ये छंद आपकी जोरदार तालियां, और मुंबई से देश में लाफ्टर किंग के नाम से मशहूर जो रचनाकार है वो माइक तक आपके बीच आ जाए। वो कहते हैं कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर आए मेरे भाई जवान लिखो रे। दोस्तों, जितने लोग अभी ऐसे हाथ डाल के बैठे, हाथ खोल लेना, क्योंकि आपकी तालियां ही अशोक सुंदरानी जी को माइक तक आने के लिए मजबूर कर देनी चाहिए कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर आए मेरे भाई जवान लिखो रे, देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे, देश के देखो। एक बार दमदार के लिए तालियां और बजा देते चंद्रशेखर मिश्र जी के लिए। आपकी मैं अपनी, आप लोग शंभू शिखर के लिए तालियां बजा ही चुके हैं, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई, मैं आपको बता दूं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज लाफ्टर 3 के सेमीफाइनल में हम दोनों एक साथ पहुंचे थे, और वो जिसने पूरे देश को हंसने हंसाने का काम किया है, वो शंभू शिखर जिसने पूरे देश को मुस्कुराहट बख्शी है, मैं चाहता हूं, कमाल है साहब, हंसना चाहिए, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दे देते, इनको सैल्यूट है, सलाम है। हंसना इसलिए चाहिए क्योंकि विडंबनाओं का देश हमारा हिंदुस्तान की झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, क्या बात है, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, आदमी बदहाल खस्ता है हमारे देश में, पानी महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। वाह वाह वाह, मेरा 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 अपना मानना है कि जो समय शेष है वो विशेष है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काव्य पाठ विराम करके मैं सीधे शंभू शिखर को आपको सौंप दूं। नहीं नहीं, एक तो नहीं, नहीं नहीं, वो आप एक रचना आपको पढ़नी ही होगी। दोस्तों, हम लोग इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, एक कविता तो कम से कम सुनाइए। मैं जानता हूं कि वक्त खत्म हो गया है, कवि सम्मेलन समाप्ति का वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन इतना तो सहयोग करेगा ही कि कोई मेहमान यहाँ से बिना सुनाए वापस न जाए। भले छोटी सी कविता, प्रतिनिधि कविता सुना दीजिए, लेकिन एक रचना सुनाइए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया को मिल जाए, स्वागत। चलो, 4 अच्छी लाइनें, आज सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, सुदीप भोला ने बहुत प्यारा गीत पढ़ा, इतनी कड़ाके की सर्दी, लगता था खुले में कवि सम्मेलन, लेकिन ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, ये हिंदुस्तान वो है जहाँ एक सैनिक जिसका नाम होता है हनुमान थप्पा, 7 दिन तक बर्फ के नीचे दबा रहता है, 8वें दिन निकाला जाता है, तो भी पे उसका सीना धड़कता था, सांसें चल रही थी, और तालियां तो इस बात पर उठे कि तिरंगे पर पकड़ रत्ती भर ढीली नहीं हुई थी साहब। ये है हमारा हिंदुस्तान। हमारे सारे बड़े कवियों ने कहा कि ये तो चमत्कार है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, दैवी शक्ति ने बचा करके रखा। मैंने कहा मैं बिल्कुल चमत्कार नहीं मानता, अगर हिंदुस्तान में है तो मैं इसको रोजमर्रा की चीज मानता हूं। बोले फिर सिद्ध करके बताओ। मेरे बनारस के अच्छे लोगों, मैंने तर्क रखा है कि रोजमर्रा की चीज अगर हिंदुस्तान में हुआ तो कोई बड़ी चीज नहीं है।
मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है साहब, हिंदुस्तान में। तब चार अच्छी पंक्तियां माँ सरस्वती ने मेरी झोली में डाली, बनारस के श्री चरणों में रखता हूं, इस पवित्र घाट पर रखता हूं। क्यों नहीं मानता मैं इसको चमत्कार, क्यों नहीं मानता मैं इसको बड़ी चीज कि भरसक कोशिश करती है माँ। बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, कलेजे में ठक से लग जाए तो प्यार बिखरे, कि भरसक कोशिश करती है माँ, बच्चे को शरारत करने नहीं देती, समेट लेती आंचल में उसे, अंधेरे से कभी डरने नहीं देती। और हनुमान थप्पा दुश्मनों की कैद में नहीं, भारत माँ की गोद में था, और कोई भी माँ गोद में कभी अपने बच्चे को, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, कोई भी माँ, कोई भी माँ गोद में कभी अपने बच्चे को मरने नहीं देती। कितनी अच्छी वेशभूषा में ये मातृशक्ति बैठी हुई है, कितनी अच्छी वेशभूषा। और बंबई में इस समय, इस बार जब पद्मश्री बटे तो बहुत अच्छा लगा। कुछ पद्मश्री तो ऐसे मिले कि नंगे पैर पूरी धोती पहने और सैल्यूट करने का, सलाम करने का दिल हुआ। जिन्होंने आदिवासी अंचलों में काम किया उनको पद्मश्री दिया। क्या बात है। और कुछ पद्मश्री ऐसी पर विश्व सुंदरी का ताज तो रख लिया, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जाने कहां कहां नंगा कर दिया। क्या बात है, जाने जाने। इसलिए आखिरी पंक्ति की दिखाओ दिखाओ खूब दिखाओ 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 खूब दिखाओ, तुम्हारा अपना शरीर है, जैसे चाहे इनकी बोली लगाओ, लेकिन कम से कम भगवान के लिए, ऐसे प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए, ऐसे हिंदुस्तान के लिए कम से कम दूध ममता और आंचल जैसे शब्दों को मत लगाओ। क्या बात, जैसे शब्दों को मत लगाओ, आंचल जैसे शब्दों को मत लगाओ।